हेलो दोस्तों, तो आज हम मापांक फलन पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्लिप है ये वीडियो की, उसमें हम जो लेक्चर नंबर 6 में प्रांत निकालने वाले सवाल किए थे ना, ठीक है, उनमें एक 10वां सवाल था, उसमें थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए, जो कि आपने टेलीग्राम पर मुझे बता दिया था, ठीक है, तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए इस सवाल को हम वापस कर रहे हैं, ठीक है। वो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, उसके लिए क्या बोल सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे कि वो मुझसे प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो एक बार इस सवाल को समझ लेना, उसके बाद हम आगे इस मोड फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये आपका सवाल है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आपको फलन निकालने के लिए किसी सवाल में एक से ज़्यादा आपको क्या दे दिया जाए, एक से ज़्यादा फलन दे दिया जाए, ठीक है ना। देखिए, आपको प्रांत निकालने के लिए किसी फलन में एक से ज़्यादा फलन दे दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सभी फलनों की अलग अलग प्रांत निकालना है, ठीक है। उसके बाद उन सभी का इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन भाग लेना है, ठीक है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये आपका D1 है, ठीक है, ये आपका D2 है, मतलब डोमेन, ठीक है, ये आपकी थर्ड डोमेन है। तो हम D1 सबसे पहले निकाले क्या, ठीक है, D1 सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो जो क्या होगा, x/x-1, बिल्कुल भैया। अब यहाँ पर जो ऊपर x बैठा है वो तो अंश में है, उसको तो कोई लोचा ही नहीं, बिल्कुल भैया। अब जो नीचे बैठा है ना x-1, वो भैया हर में है, और पहली पाबंदी हमें यह कहती है कि हर में है ना कोई भी मान जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यह वाला भाग जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया, तो x-1 शुड नॉट बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ से x should not be 1, मतलब x एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें समझ में आता भैया कि x हम यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए, इतना आ गया समझ में, बिल्कुल, ठीक है। अब हम निकालते हैं D2 निकाल लेते हैं क्या, तो D2 हमें दिखा, D2 क्या है भैया, देखिए डोमेन निकालनी है इस दूसरे वाले फंक्शन की। अब देखो भैया, यहाँ पर क्या है, √(√x²-1)/2, ठीक है। अब ये जो ऊपर है ना, दूसरी पाबंदी क्या कहते हैं कि ऊपर अगर अंडर रूट आ जाए, तो अंडर रूट में जो भी आपको बैठा हुआ है ना, वो हमेशा जीरो या उस जीरो के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, इतना समझ में आता है, बिल्कुल, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, कि अगर इसको परिभाषित करना है, तो यहाँ से x²-1 है ना, वो जीरो के बराबर या उससे बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने किया कि भैया इस वाले की डोमेन निकालने के लिए x²-1 है ना, वो हमेशा जीरो से ज़्यादा या उससे बड़ा ही होना चाहिए, ये हमने चेक कर दिया। अब इसको खोलने का तरीका भैया, x²-a² क्या होता है, x+a x+1 × x-1, बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बोले आप, ठीक है, यहाँ तक आ गए हो, बिल्कुल अच्छा। अब इसके देखिए, इसका शून्य क्या हो जाएगा भैया, -1, और इसका शून्य हो जाएगा +1, ठीक है। तो इसको हम संख्या रेखा पर बता ले क्या, ये देखिए, ये हमने संख्या रेखा बनाई, ये आपका -∞, ये +∞, ये आपका -1 और ये आपका +1, ठीक है। चेक कीजिए, निशानों को चेक कीजिए भैया, एक से ज़्यादा जाएगी, आपने मान ले लिया कितना, 2, ठीक है। तो 2 - 1 आ गया पॉजिटिव, ठीक है, और 1 + 1 3 2 आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। और -1 से 1 के बीच में मान लो आपने ले लिया जीरो, जो कि हमारा सस्ता सुंदर टिका हुआ है। अब ये जीरो यहाँ पर रखा, तो जीरो -1 - 1, जो कि क्या आ गया, नेगेटिव, और जीरो +1 + 1, जो कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आ गया नेगेटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, आप चेक कर लेना। तो ये आपका हो गया। अब आपको क्या बोला कि यह जीरो के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, इक्वल टू का, अगर इक्वल टू का साइन आपको दिख जाए ना, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या लगाना है, डायरेक्ट सर्कल लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका पॉजिटिव, ठीक है, और यहां पर भी डायरेक्ट सर्कल लगाना है। तो यहां से x बिलोंग्स कितना हो गया भैया, -∞ से -1 union 1 से ∞, क्या इतना समझ में आता है, बिल्कुल भैया, कोई यहां तक तो डाउट है ही नहीं, ठीक है। अब हम तीसरे वाला देखते हैं, तीसरे वाले डोमेन निकालते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है तीसरे फंक्शन में, कि भैया x+3 / x²-9 है। अब ये x+3 जो ऊपर जाकर बैठा हुआ है, इसका हमें कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, क्यों, क्योंकि x+3 का मान कोई भी हम रख सकते हैं, x का मान यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x²-9 है ना, वो बैठा हुआ है नीचे, नीचे बैठा हुआ है, इसका मतलब पहली पाबंदी लगेगी, और पहली पाबंदी यह कहती है कि हाय में जो भी बैठा है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इतना आता समझ में, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से हमें यह समझ में आता है। तो यहाँ से देखिए आपका, देखिए क्या आ जाएगा, D3 हम निकालने गए, तो x²-9 है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस हमें इतना पता है, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो यहाँ से भैया क्या हो जाएगा, यहाँ से भैया ये हो जाएगा कि x माइनस
3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, ये आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इतना भी हमें समझ में आता है क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यह समथिंग है, ठीक है ना। तो ये आपने लगा ली। अब यहाँ से देखिए भैया, शून्य का हमने निकाल लिया, तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा माइनस 3, समझ में आता है बिल्कुल भैया। अब देख लो, ये आपका माइनस 3 और ये आपका प्लस का 3, ठीक है, तो ये है किसके इक्वल, 3 के इक्वल, और माइनस 3 के इक्वल नहीं हुआ, मतलब x यहाँ से 3 और माइनस 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इतना हमें समझ में आता है, आता है। अब हमने d1, d2 और d3 तीनों निकाल लिए है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का लेना है इंटरसेक्शन, कॉमन लेना है, सर्वनिष्ठ लेना है। हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी संख्या रेखा बना लेंगे, बना ली संख्या रेखा, ठीक है भैया। अब यहाँ से माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, बिल्कुल। अब बस सभी को यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है, क्या क्या है, माइनस एक है, एक है, ठीक है, माइनस एक है, एक है, माइनस तीन है, ठीक है, माइनस तीन, माइनस एक, उसके बाद एक है, और उसके बाद तीन है, यही सभी है, ठीक है। सबसे पहले इसको हमने रख लिया, तो ये आपका क्या है, माइनस एक से, ये आपका माइनस एक से पीछे और प्लस एक से आगे, ठीक है, इस तरीके से है कुछ। और यहाँ पर क्या है, डायोग का सर्कल है। डायोग का सर्कल कब लगते हैं, जब भी भैया आपके इन इक्वालिटी में, यहाँ पर इक्वालिटी बराबर का साइन भी आ गया हो ना, तब वहाँ पर क्या लगता है, डायोग सर्कल, ठीक है। अब आप प्लस का 3 और माइनस का 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं इस क्रॉस को, ठीक है, क्रॉस को लगा लिया, बिल्कुल अच्छे से यह भी समझ में आता है। साथ ही साथ आपका यह देखिए, ठीक है ना, अच्छा ये देखिए, ये आपका जो है ना वो एक के इक्वल नहीं होना चाहिए, एक्स, एक्स एक के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये आपका आ गया एक्स, जो कि एक के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका एक्स एक के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, आगे समझ में। अब देखो भैया, ये तीनों का हमने निकाल लिया है, अब हमें क्या करना है, फाइनली आंसर ढूंढना है, तो आंसर तो यही होगा, बस यहाँ पर कौन कौन सा नहीं होना चाहिए, देखिए इन सभी का कॉमन तो है ना, देखिए यही होगा आंसर तो आपका, बस आपका क्या नहीं होना चाहिए भैया, 3 माइनस 3 और प्लस का 1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, इतना समझ में आता है। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 3, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 1, ठीक है, इसका बाद ये आपका आ जाएगा यूनियन क्या हो जाएगा, एक से इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, प्लस का 3 और माइनस का 3 नहीं होना चाहिए, तो इन तीनों का आप हटा सकते हो, ठीक है, एक प्लस माइनस 3, ये आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है भैया, कुछ इसी तरीके से होगा। तो ये आपका सवाल हो गया 10 भैया, वहाँ पर कुछ अगर मिस्टेक हो तो इसको चेक कर लेना, बाकी इस तरीके से ये सवाल होगा, ठीक है।